तरीके से दोस्तों हम लोग नागपुर स्टेशन में और मेरे पापा पहुंच चुके हैं। अब इसी गाड़ी में हम लोग वापस दुर्ग चेयर कार में बैठ के जाएंगे। चलिए आगे की जर्नी भी दूसरे ब्लॉक में भी आप इंजॉय करिएगा। दोस्तों अभी हम लोग नागपुर से दुर्ग नागपुर बिलासपुर वंदे भारत में जा रहे हैं। आप किस तरीके से देख पा रहे हैं ये एसी चेयर कार और साथ ही पहला बोगी है जो कि आपका इंजन के पास है। इसमें तो पता भी नहीं चलता कि इंजन है, लोको पायलट इसमें रहते हैं और साथ ही 5 से 6 मीटर दूर पर ही हमको लोको पायलट का केबिन दिखाई दे रहा है। और साथ ही अभी हम लोग आगे की जर्नी देखते हैं। आप लोग दोस्तों बगल में जो ट्रेन जा रही है वो है लोकमान्य तिलक हटिया। हालांकि इसका डिपार्चर टाइम हो चुका है तो वो गाड़ी आगे निकल गई। अब हमारी वंदे भारत नागपुर जंक्शन से छूट रही है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी वीडियो पर डायमंड क्रॉसिंग किस तरीके से 2 रेल ट्रैक आया है और साथ ही क्रॉस कर रहा है। चलिए हम जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये है आपका एसी चेयर कार। पीछे आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं किस तरीके से स्क्रीन दिखाई दे रहा है और गाड़ी अब तेज गति से चल रही है। गाड़ी की जो अधिकतम गति है वो आपकी 130 किलोमीटर पर आवर बीच बीच में थी, ये डिस्प्ले में साफ साफ बताया जाता है। साथ ही कितना डिस्टेंस बचा है अगला स्टेशन वो भी बताया जाता है। चलिए देखते हैं हमारी गाड़ी अब जो अगला स्टेशन है वो है आपका कामठी, उस पर हम देखेंगे। साथ ही आप देखिएगा किस तरीके से बता रहा है कि अगला स्टेशन गोंदिया है और कितने डिस्टेंस कितना किलोमीटर बचा है। ये हमने खाना ऑर्डर किया, ऑर्डर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि खाना हमने ऐड नहीं करवाया था, तो एक थाली हमने मंगाई। और साथ ही आप देख रहे हैं कामठी स्टेशन क्रॉस हो रहा है, 235 रुपये की लगभग ये थाली थी। अभी हम लोग देखते हैं ये थाली में क्या क्या है। ये थाली में दाल है, पनीर की सब्जी है, रोटी है, चावल है, अचार है और साथ ही कर्ड भी है। तो इस तरीके से ये रहा खाना आपका नागपुर से दुर्ग में आपको खाना मिलता है। तो ये चलिए ये जो क्रॉस हो रहा है जहाँ गाड़ी नहीं रुकेगी ये है भंडारा रोड। ये है आपकी वैनगंगा रिवर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को हम और आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी देखिए दोस्तों किस खूबसूरत तरीके से टर्न ले रही है और सबसे अधिक खास बात है कि गाड़ी में जर्क नहीं लगता 125-30 की स्पीड में भी, पता भी नहीं चलता। और साथ ही किस तरीके से आपका ओवरटेक कर रही है एक रुकी हुई मालगाड़ी। आपको स्पीड का अंदाजा लगा रहा होगा किस तरीके से 127 के आसपास की स्पीड है जो कि काफ़ी तेज है। चलिए अब हम लोग पहुँच रहे हैं आपका गोंदिया जंक्शन, यहाँ पर गाड़ी का स्टॉपेज है किस तरीके से आप देख रहे हैं। साथ ही अभी हम देखते हैं वॉशरूम। वॉशरूम कुछ इस तरीके से है वंदे भारत का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बॉस है और साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। मिरर आप देख पा रहे हैं, साथ ही आपको यहाँ पर सैनिटाइजर, हैंड वॉश सारी चीज़ें मिलेगी किस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और साथ ही आपका ड्रायर भी मिलेगा अपने हाथ को साफ रखने के लिए या सुखाने के। ये है आपका एसी चेयर कार। फिलहाल हमारी आगे वाली जो बोगी है वो इस तरीके से खाली आपको दिखाई दे रही है। तो ये है आपका एसी चेयर कार। दोस्तों ये है चार्जर पॉइंट जो कि नीचे तरफ सीट में, हम नीचे की तरफ जो रहता है ऐसा रहता है, देख सकते हैं आप। चलिए अब हमारी गाड़ी जर्नी आगे बढ़ रही है और हमारा जो डिस्प्ले है कुछ इस तरीके से हो रहा है, 125 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। किस खूबसूरत तरीके से दोस्तों देखिए गाड़ी टर्न ले रही है। अब हम लोग आगे जो है फॉरेस्ट एरिया में आएंगे। किस तरीके से दोस्तों देखिए हम लोग डोंगरगढ़ स्टेशन पहुंच रहे हैं। डोंगरगढ़ स्टेशन में इस गाड़ी का स्टॉपेज नहीं है बट स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है यहाँ हर गाड़ियों की क्योंकि ट्रैक का अरेंजमेंट क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से। तो चलिए अब हम डोंगरगढ़ को क्रॉस कर रहे हैं।
दोस्तों ये वाला जो वॉशरूम है ये हम लोग जो आपका इंजन के पास वाली बोगी है वहाँ पर का है, काफ़ी स्पेसियस है। हर बाथरूम ऐसा नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो पर कि किस तरीके से काफ़ी बड़ा स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। दरवाज़ा भी जो है स्लाइडिंग तरीके से खुलता है, नॉर्मल तरीके से नहीं खुलता। और साथ ही देखिए ये है आपका एसी चेयर का, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जो सीट है वो नीली है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार क्लास की जो सीट है उसका जो कलर है वो आपका भूरे कलर का है। दोस्तों अब हमारी गाड़ी जो है वो राजनांदगांव स्टेशन में एंटर कर रही है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ये है दोस्तों जो बगल में क्रॉस कर रही है, ये है बिलासपुर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि राजनांदगांव में अनाउंस भी हुआ था इस ट्रेन। चलिए अब हमारी जो गाड़ी है वो दुर्ग का आउटर, जिसे रसमड़ा स्टेशन कहते हैं, उसको क्रॉस कर रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस स्टेशन में आपको ये ट्रेन जो दिखाई दे रही है, ये वही ट्रेन है हटिया वाली, लोकमान्य तिलक हटिया, जो नागपुर में पहले निकली थी, पर यहाँ पर ओवरटेक कर रही है ये वंदे भारत। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हटिया जो एक्सप्रेस है इसका स्टॉपेज राजनांदगांव नहीं है, जबकि वंदे भारत का है। तो चलिए अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है और यहाँ पर आएगा आपका शिवनाथ का ब्रिज। शिवनाथ के ब्रिज में गाड़ी की जो स्पीड थी वो थी दोस्तों 125 किलोमीटर पर आवर। देखिए 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ किस तरीके से ये 125 आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से वंदे भारत का डिज़ाइन और साथ ही इस ब्रिज का डिज़ाइन है जो कि इस स्पीड को बरकरार रखा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। गाड़ी हालांकि 5 मिनट लेट पहुंची, क्योंकि नागपुर से थोड़ा लेट हुई थी, गाड़ी कवर भी कर ली थी, बट फिर भी लाख पहुंचते 5 मिनट लेट हो गई। तो दोस्तों हमारी जर्नी का यही अंत होता है दुर्ग स्टेशन में। देखिए किस तरीके से मेरे पापा भी आ गए हैं। अब आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।